लास्ट पार्ट में हमने देखा वांग जी ने वेंग के लिए एक सॉन्ग लिखा था जिससे वेंग की जान को अब कोई खतरा नहीं था, लेकिन वांग जी लगातार 3 दिन से उसके लिए वो सॉन्ग प्ले कर रहा था जिस वजह से उसके हाथों में बहुत चोट आई थी। और वेन जिंग ने वेंग को ट्यूब देते हुए कहा था कि अब तुम्हें हंगुन जुन का ख्याल रखना चाहिए। वेंग वांग जी को ट्यूब लगाने के लिए बेड से उठने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी उससे कहता है तुम्हें उठने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें आराम करना चाहिए। तो वेंग कहता है लंजा अब मैं ठीक हूँ, प्लीज़ मुझे ये करने दो, तुम्हें ऐसी हालत में देखकर मैं वैसे भी आराम नहीं कर पाऊँगा। ये सुनकर वांग जी उसके पास जाता है और उसे खुद बैठने में मदद करता है। वेंग देखता है कि वांग जी पहले से काफ़ी कमज़ोर दिख रहा था, वांग जी ने 3 दिन से ना ही तो बिल्कुल आराम किया था, ना ही उसने ठीक से कुछ खाया था, वो बस वेंग के लिए म्यूज़िक ही प्ले किया जा रहा था। अब जब वेंग को पता चल गया था कि वो नहीं मरने वाला है तो वो काफ़ी सारी बातें वांग जी से करना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे शुरुआत करे। वांग जी के हाथों पर ट्यूब लगाता है, पास ही में रखी बैंडेज लगाने लगता है। तभी वांग जी उससे पूछता है आखिरकार ब्रिज के पास वो सब हुआ क्या था। ब्रिज के नीचे काफ़ी सारी बॉडीज थी। वेंग उसे सारी बातें बता देता है कि शुयांग यांग फेफे का बेटा है और जिन गोंगायो का सौतेला भाई है, उन दोनों ने मिलकर ही जिन गोंगशा को मारा था। अब जब जिन गोंगशा नहीं है तो अगला क्लान लीडर जिन जुशुन को बनना चाहिए, शायद इसीलिए जिन गोंगायो उसे भी मारने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जिन जुशुन के मर जाने के बाद सिर्फ जिन गोंगायो ही है जो क्लान लीडर बन सकता है। लंजा मुझे लगता है जिन गोंगायो ने जानबूझकर शुयांग को वहाँ जिन गोंगशा की बॉडी को डम करने के लिए भेजा होगा ताकि समय आने पर वो सारा इल्जाम शुयांग पर लगा दे। हमें जल्दी ही कोई टावर जाना चाहिए इससे पहले कि वो जिन जुशन को कोई और नुकसान पहुँचाए, वांग जी उसे कहता है, लेकिन हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। वेंग कहता है तुमने सही कहा, शुयांग अगर जिंदा होता तो हम उसे ले जा सकते थे। यांग फेफे और मैंगशी वाली स्टोरी पर भी कोई विश्वास नहीं करेगा क्योंकि मैंने तो वो सब एम्पैथी के थ्रू देखा था। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ एक सर्वेंट आता है जो अपने साथ कुछ हेल्दी फूड लेकर आया था। वो वेंग से कहता है मास्टर वे, लेडी वैन ने कहा है कि आप 3 दिन से बेहोश थे तो आपको यही फूड खाना है और आप बिल्कुल भी स्पाइसेस नहीं ले सकते। और वो वांग जी से कहता है हंगुन जुन आप दोनों से मिलने के लिए बाहर कोई विजिटर्स आए हैं, अगर आपको ठीक लगे तो क्या मैं उन्हें अंदर भेज दूं। वांग जी कहता है नहीं मैं उनसे मिलने के लिए बाहर जाता हूं, वेंग को यहां आराम की ज़रूरत है। वो सर्वेंट वहां से चला जाता है तो वेंग वांग जी से पूछता है हमसे मिलने कौन आया है। वांग जी कहता है पता नहीं मैं बाहर देख कर आता हूं, तुम यहीं आराम करो। काफ़ी समय बीत जाता है लेकिन वांग जी फिर भी वापस नहीं आता तो वेंग को क्यूरियोसिटी होने लगती है, वो खुद ही अपने रूम से बाहर चला जाता है और वो देखता है कि वांग जी उन्हीं दोनों डिलीवरी बॉयज ग्यू ये और ल्यू फेंग्या से बातें कर रहा था। वेंग उन दोनों को देखकर कहता है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, क्या यहाँ भी कुछ डिलीवर करने आए हो। वो दोनों कहते हैं मास्टर वे जब हम कोई टावर से वापस आए तो हमें नहीं पता था कि वहाँ इतना कुछ हो चुका है, हमें माफ़ कर दीजिए, वो बीस्ट कोर वाला डॉग जो आपको हंट के वक्त मिला था वो हमारी वजह से ही था, हमारी वजह से आपकी और मास्टर जिनकी जान को खतरा हो गया था। वेंग कहता है जो भी कुछ तुम कहना चाहते हो प्लीज़ साफ साफ बताओ। ग्यूही कहता है मास्टर वे उस दिन जब हम बॉक्स लेकर डिलीवरी के लिए आ रहे थे तो वो बॉक्स काफ़ी बड़ा था, हमने सोचा इसमें जो भी कुछ है शायद हम उसे एक छोटे बॉक्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हमने वो बॉक्स खोलकर देखा तो उसमें एक बीस्ट कोर थी। वेंग कहता है वो बॉक्स तुम किसे डिलीवर करने के लिए आए थे। ल्यू फेंग्या कहता है वो बॉक्स हमने क्लान लीडर सो मिनचा को दिया था। वेंग कहता है तुमने वो बॉक्स कहाँ डिलीवर किया था, तो वो दोनों बताते हैं वो बॉक्स हमने जिन गोंगवायो के प्राइवेट रूम में डिलीवर किया था, सो मिनचा के साथ वो भी वहाँ मौजूद थे। वेंग तुरंत वांग जी से कहता है लंजा अब हमें कोई टावर चलना चाहिए, मुझे लगता है हमारे पास अब एक प्रूफ है। जिनको ना पता हो सो मिनचा सुशे का ही नाम था। वेंग तुरंत लांचरन के पास जाता है क्लाउड हाउसेस से बाहर जाने के लिए उसकी परमिशन लेने, लेकिन लांचरन साफ उससे मना कर देता है। दूसरी तरफ वांग जी वेंचिंग को बता देता है क्योंकि जब तक वेंचिंग वेंग का बाहर जाना अलाउ नहीं कर देती तब तक वांग जी भी क्लाउड असेस से वेंग को बाहर नहीं जाने देता। वेंचिंग भी वहां पहुंच जाती है और वो वेंग से साफ मना कर देती है कि कम से कम उसे 1-2 दिन का रेस्ट करना है, उसके बाद ही वो यहाँ से बाहर जा सकता है। वेंग बहुत समझाने की कोशिश करता है कि उनका जाना बहुत अर्जेंट है, लेकिन लांचरन भी उनकी बात नहीं मानता। वेंचिंग भी वांग जी से कहती है हंगुन जुन वे वुशन को फिलहाल आप कहीं बाहर मत जाने देना, उसे अभी आराम करने की ज़रूरत है।
प्लीज़ उस पर नज़र रखना। ऐसा कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वेंग वांगजी से कहता है, लंजा तुम्हें वेंचिंग को बताने की क्या ज़रूरत थी? वांगजी उसकी तरफ एक सॉफ्ट लुक देता है तो वेंग कहता है, ठीक है मैं समझ सकता हूँ, तुम्हें मेरी चिंता है। अब जब तुम मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे तो मैं फिर सोना चाहूँगा। क्या हम जिंगशी में वापस चल सकते हैं? मुझे वहाँ अच्छे से नींद आती है। लंजा, वेंचिंग ने कहा कि तुम्हें मेरी देखभाल करनी चाहिए, तो क्या तुम मुझे अपनी बैग पर कैरी करते हुए जिंगशी में ले जा सकते हो? वेंग को लग रहा था कि वांगजी उसे अपनी बैग पर कैरी करेगा, लेकिन जैसे ही वेंग उससे कहता है, वांगजी उसे अपनी गोद में ही उठा लेता है। वेंग को बहुत शाय फील होने लगता है, क्योंकि पहली बार वो दोनों इतने इंटीमेट तरीके से एक दूसरे के क्लोज थे। वेंग भी खुद को सपोर्ट देने के लिए वांगजी का कॉलर पकड़ लेता है। वेंग इतना शाय फील कर रहा था कि वो वांगजी की तरफ ठीक से देख भी नहीं पाता है। जैसे ही दोनों जिंगशी में पहुँचते हैं, वांगजी वेंग को जेंटली बेड पर लिटा देता है। वेंग अपने आउटर रोब्स को निकालता है और ऐसे ही बेड पर डाल देता है। वांगजी एक परफेक्ट हस्बैंड की तरह उसके रोब्स को उठाता है, उन्हें फोल्ड करता है और कबर्ड में रख देता है। ये सब देखकर वेंग स्माइल करता है और उससे कहता है, लंजा तुम भी थक गए होंगे ना, तुम भी मेरे पास सोने के लिए आ जाओ, और वो बेड पर उसे इशारा करता है। ऐसा कहते ही उसे याद आता है कि ये सीन तो पहले भी हो चुका है। जब वांगजी बीमार था तो वांगजी था जो वेंग को अपने पास बेड पर लेटने के लिए बुला रहा था, लेकिन वो बेड काफ़ी छोटा था और वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। जिंगशी का बेड काफ़ी बड़ा था। वांगजी भी अपने आउटर रोब्स निकालकर बेड पर लेट जाता है। वेंग कैसे भी हिम्मत करके एक दूसरे के डिस्टेंस को कम करता है और वांगजी के नज़दीक आ जाता है। वेंग देखता है कि वांगजी अपने हाथ से कुछ मूवमेंट कर रहा था। वेंग को लग रहा था कि वांगजी जरूर उसे खुद से अलग कर देगा और उसे धक्का दे देगा, लेकिन वांगजी उसके हेड को अपने चेस्ट पर रखता है और उसके बैक को सहलाने लगता है। वेंग की हार्ट बीट्स बहुत फास्ट हो जाती हैं। वो वांगजी की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पाता। दोनों ऐसे ही सो जाते हैं। आधी रात को वेंग की आंखें खुलती हैं। वो वांगजी के इतना नज़दीक था कि वो उसकी ब्रीदिंग भी सुन सकता था। वेंग को जब विश्वास हो जाता है कि वांगजी गहरी नींद में है, वो धीरे धीरे खुद को उससे अलग करता है। हालांकि उसे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वो ऐसे ही वांगजी के पास ही लेटे रहना चाहता था। वो धीरे धीरे जिंगशी के गेट से बाहर निकल जाता है और गुसुलान के गेस्ट रूम में जाता है, जहाँ ल्यू फेंग्या और ग्यूयी सोए हुए थे। ग्यूयी की आंखें खुलती हैं और वो वेंग से कहता है, सीनियर वे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वेंग कहता है, बॉयज़ जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें अभी की अभी कोई टावर निकलना है, वहाँ सबकी जान खतरे में है, हमें अभी जाना होगा। ये सुनकर ल्यू फेंग्या ग्यूयी जल्दी से रेडी हो जाते हैं। तीनों आकर क्लाउडसिस की वॉल पर खड़े हो जाते हैं। ल्यू फेंग्या और गुई अपने तलवार का इस्तेमाल करते हैं। वेंग जैसे ही वॉल से नीचे कूदता है, तुरंत वांगजी वहां आता है और उसे वेस्ट से पकड़ लेता है। वेंग अचानक शॉक रह जाता है। उसे लगता है कि वांगजी अब उसे बहुत डांटेगा और उस पर गुस्सा करेगा, लेकिन वांगजी उससे कहता है, चाहे तुम्हें कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम कोई टावर जाकर रहोगे ना वेंग? वेंग कहता है, लंजा मेरा जाना ज़रूरी है। तो वांगजी उससे कहता है, ठीक है फिर मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। दोनों वांगजी की तलवार के जरिए उड़ने लगते हैं। तभी वेंग को अपने ऊपर कुछ वार्म फील होता है और वो देखता है कि वांगजी उसे स्पिरिचुअल एनर्जी दे रहा था। वेंग उससे कहता है, लंजा प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को सेफ रखना चाहिए, कोई टावर में जाकर कुछ भी हो सकता है। तो वांगजी उससे कहता है, तुम्हें ठंड लगी है? वेंग मुस्कुराने लगता है और वांगजी को टाइटली हग कर लेता है और उसे कहता है, अब मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लगी, और वो अपना फेस वांगजी के शोल्डर्स पर रख लेता है। वांगजी के ईयर्स रेड हो जाते हैं, लेकिन वो वेंग को और टाइटली पकड़ लेता है। दोनों साथ में जा रहे होते हैं, तभी वेंग वांगजी से कहता है, लंजा क्या तुमने कभी सोचा है कि ये सब खत्म होने के बाद हम क्या करेंगे? वांगजी कहता है, नहीं वेंग। तो वेंग कहता है, फिर ठीक है मैं सारी प्लानिंग कर लेता हूँ। वांगजी कहता है, कैसी प्लानिंग? वेंग उसे बताता है, मैंने सोचा है ये सब खत्म हो जाने के बाद हम दोनों अक्सर नाइट हंट पर जाया करेंगे, साधारण लोगों की मदद करेंगे, उनके केसेस सॉल्व करेंगे, और ये सब की शुरुआत हम यिनमक से करेंगे। मैं तुमसे कब से कह रहा हूँ कि तुम मेरे साथ लोटोस्कोप चलो, लेकिन तुम कभी भी वहाँ नहीं आए। तुम मेरे साथ लोटोस्कोप चलोगे ना लंजा? वांगजी उसे हाँ कर देता है। वेंग उसे बताता रहता है कि लोटोस्कोप में जाकर उसकी क्या क्या प्लानिंग है और वो वांगजी के साथ कहाँ कहाँ घूमना चाहता है। यही सब बताते बताते वेंग सोचने लगता है, कुछ दिनों पहले तक वांगजी उसे बहुत बोरिंग लगता था, और अब वो समय आ गया है कि वो हर जगह वांगजी के साथ ही जाना चाहता है।
विंग वांगजी से कहता है, लंजा मुझे बहुत खुशी है कि मैं तुमसे मिला, तुम्हारा दोस्त बना और तुमसे शादी की। और मुझे तुमसे, इससे पहले कि विंग आगे कुछ कहता, लियु फेंगया और गुई कहते हैं, आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? वांगजी भी, जो कि विंग की बातों में खो गया था, उन दोनों को पता चलता है कि कोई टावर तो ऑलरेडी आ चुका है। विंग कहता है, हम मेन एंट्रेंस से तो नहीं जा सकते, हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा। विंग लियु फेंगया और गुई से कहता है, तुम दोनों चाहो तो इनमें ठहर सकते हो, हमारा इंतजार करो, हम अंदर जाते हैं। लेकिन गुई कहता है, बिल्कुल नहीं, हम आपके साथ ही चलेंगे, बीस्ट कोर वाली गलती हमारी वजह से हुई थी। उन दोनों के इंसिस्ट करने पर विंग उन दोनों को अपने साथ चलने के लिए हाँ कर देता है। विंग कहता है, मैं और चिंगचा अक्सर यहाँ आया करते थे क्योंकि शिजे हमेशा से ही जिन जिशन को पसंद करती है, इसलिए मुझे कोई टावर के कुछ सीक्रेट रास्ते पता हैं। वो चारों मिलकर विंग के दिखाए रास्ते के थ्रू जाने लगते हैं और सीधे जिन जिशन के रूम में आते हैं जहाँ यानली थी। विंग को यानली काफ़ी कमज़ोर दिख रही थी। विंग उससे कहता है, शिजे आप ठीक तो हैं? वो इतना कहती है कि तभी सुशी वहाँ जाता है और विंग से कहता है, वी विशन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की और तुम यहाँ पहुँचे कैसे? यानली विंग को सारी बातें बताती है कि जिन गुंगायो उन सबको वहाँ लॉक करके कहीं चला गया है और सुशी उन पर नज़र रखे हुए है। विंग सुशी से पूछता है कि जिन गुंगायो कहाँ हैं, लेकिन सुशी उसे कुछ नहीं बताता और उसे कहता है कि तुम खुद ही सोचते रहो, तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ गए हैं। विंग उसे बातों में लगाता है, तभी वांगजी सुशी पर हमला करता है जिससे उसके हाथ में इंजरीज हो जाती हैं। सुशी के हाथ में बहुत खून बहने लगता है। विंग फिर उससे कहता है, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो सब कुछ सच सच बता दो। वो दोनों सबसे पहले जिन गुंगायो के फ्रेग्रेंस हॉल में आते हैं जहाँ पर न्यूमिंगजे बंद था। वो दोनों उसे फ्री करते हैं। न्यूमिंगजे आज़ाद होते ही सुशी को जान से मार डालना चाहता था। ये सब देखकर सुशी डर के मारे पहले से ही मरने का नाटक करने लगता है। जिन जुशन की माँ कहती है, इससे सब कुछ पता लगवाने के लिए इसका होश में आना ज़रूरी है। तो जिन जुशन कहता है, इसका आइडिया मेरे पास है। वो सीटी बजाता है और तुरंत वहाँ दो डॉग भागे चले आते हैं। वो यिंग अचानक से घबरा जाता है और वांगजी के पीछे चला जाता है। वो वांगजी को कस के पकड़ लेता है और उससे कहता है, लंजा प्लीज़ मुझे इन डॉग से बचाओ। यानली जिन जुशन से कहती है, जुशन तुम्हें पता है ना, आशियन को डॉग से डर लगता है, तब भी तुमने इन्हें यहाँ बुलाया। जुशन कहता है, ये कोई ऐसे वैसे डॉग्स नहीं हैं, ये मेरे स्पेशल डॉग्स हैं, ये हमें जिन गुंगायों तक ले जाएंगे। विंग कहता है, जिन जुशन तुम बिल्कुल भी मेरे शिजे को डिजर्व नहीं करते, कितने डॉग्स हैं तुम्हारे पास, इन्हें अभी के अभी यहाँ से भगाओ। जिन जुशन उसकी कोई बात नहीं सुनता और अपने डॉग्स को बाहर जाने का इशारा करता है। वो सब लोग मिलकर डॉग्स का पीछा करने लगते हैं। विंग भी वांगजी से कहता है, लंजा तुम क्यों नहीं जा रहे हो, जब तक तुम नहीं जाओगे तो मैं कैसे जाऊंगा? वांगजी उससे कहता है, विंग पहले मुझे छोड़ो। विंग कहता है, सॉरी लंजा, और वो तुरंत अपना हाथ हटा लेता है। लेकिन डॉग्स का भौंकना सुनकर वो फिर उसको कसके पकड़ लेता है। तो वांगजी उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहता है, विंग कुछ नहीं होगा। उसके बाद गाइस क्या हुआ था काफ़ी बार बता दिया है, इसलिए स्टोरी रिपीट नहीं करूँगी। लैन चुचैन जिन गुंगायो के साथ होता है और जिन गुंगायो की सारी स्टोरी लैन चुचैन के सामने आ जाती है, क्योंकि न्यूमिंगजे भी जिंदा है तो वो भी सब कुछ बता देता है कि किस तरह जिन गुंगायो ने इतने टाइम तक उसे बंद रखा है और उसके ऊपर गलत म्यूज़िक का इस्तेमाल करता आया है। ये सब सुन लेने के बाद लैन चुचैन को भी जिन गुंगायो की किसी बात का विश्वास नहीं होता। जब जिन गुंगायो देखता है कि उसका खेल खत्म हो गया है तो वो तुरंत एक म्यूजिक प्ले करने लगता है, जिस वजह से सबकी स्पेशल एनर्जी ब्लॉक हो जाती है और वहाँ एक बीस्ट डॉग आता है। ये वही डॉग था जिसने फॉरेस्ट में जिन गुंगायो और विंग पर हमला किया था, जिसके अंदर बीस्ट कोर थी। वो बीस्ट डॉग सब पर हमला करने लगता है क्योंकि सबकी स्पेशल एनर्जी ब्लॉक हो चुकी थी तो कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। सब उससे बचने की कोशिश कर रहे थे। विंग को समझ आ जाता है कि उसे ही कुछ करना होगा। विंग अपनी फ्लूट निकालता है और म्यूजिक प्ले करने लगता है। विंग उस बीस्ट डॉग को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी लंबे समय तक म्यूजिक प्ले करने लगता है। वांगजी उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि उसे पता था कि विंग के अंदर वो स्टोन अभी भी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। वांगजी अपनी तलवार हाथ में लेता है और सोचने लगता है कि उस बीस्ट डॉग की क्या ऐसी कमजोरी होगी जिस वजह से वो उसको तुरंत जान से मार सके। दूसरी तरफ उसका ध्यान विंग की तरफ होता है, जो अब बुरी तरह थकने लगा था और उसे अपनी चेस्ट में पेन भी फील होने लगा था।
वांगजी अपनी तलवार से उस बीस्ट डॉग पर अटैक करता है। दूसरी तरफ वो विंग से कहता है, विंग प्लीज रुक जाओ, मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता। विंग उसे दुख भरी नजरों से देखता है, जैसे वो उससे कहना चाह रहा हो, लंजा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है तुम्हें बचाने के लिए, इन सबको बचाने के लिए मुझे यह करना ही होगा। नहीं, मिंगजे भी ये सब देखकर उस लड़ाई में आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन हुएसांग ने उसे कस के पकड़ लिया था। हुएसांग उसे जाने नहीं दे रहा था। तभी जेंगशा भी वहां आ जाता है और कहता है, ये सब हो क्या रहा है। तभी लैंड चचा ने एक म्यूजिक प्ले करने लगता है और जेंगशा से कहता है, सेक लीडर जेंग, प्लीज इस म्यूजिक को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से प्ले करिए, इस म्यूजिक को सुनने के बाद हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी वापस आ सकती है। जेंगशा ऐसा ही करता है, धीरे धीरे उन सबकी स्पिरिचुअल एनर्जी वापस आने लगती है। सॉरी गाइज, एक लाइन में बीच में ऐड करना भूल गई, जिन गोंगायो बीस्ट डॉग से लैंड चचैन को बचाने में मारा गया था। अब जब उन सबकी स्पिरिचुअल एनर्जी वापस आ जाती है, वांगजी अपना गुचिन प्ले करने लगता है। जैसे जैसे वो म्यूजिक प्ले करता है, वुइंग को भी अपनी हार्ट में थोड़ा सा अच्छा फील होता है। म्यूजिक सुनने के बाद बीस्ट डॉग जैसे ही शांत होने लगता है, न्यू मिंगजे कहता है, अब हमें इस पर हमला कर देना चाहिए। तभी जिन जुशन कहता है, नहीं, वो मेरा पेट डॉग है, उसके अंदर बीस्ट कोर डाली गई है और वो उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जिन जुशन उस बीस्ट डॉग के अंदर अपना हाथ देता है तो उसे एक स्टोन मिलता है जो कि एक बीस्ट कोर स्टोन था। उसे निकालते ही वो बीस्ट डॉग श्रिंक होने लगता है और काफ़ी छोटा हो जाता है। जिन जुशन तुरंत उसे अपनी गोद में ले लेता है। सब लोग वहां से वापस आ जाते हैं। फाइटिंग ओवर हो चुकी थी लेकिन सब बुरी तरह इंजर्ड हो गए थे। विंग वांगजी से कहता है, लंजा अब हमें भी चलना चाहिए, और दोनों वहां से चले जाते हैं। विंग जब आंखें खोलता है तो वो एक गेस्ट रूम में था। वांगजी पास ही की चेयर पर बैठा हुआ था और एक बुक रीड कर रहा था। विंग उसको देखकर स्माइल करने लगता है। वांगजी के फेस पर सनलाइट पड़ रही थी जिस वजह से वांगजी और भी ब्यूटीफुल लग रहा था। वांगजी जब देखता है कि विंग उठ गया है तो वो उससे पूछता है, तुम्हें कैसा फील हो रहा है। विंग उससे कहता है, मैं ठीक हूँ लंजा। तो वांगजी कहता है, लेडी वैन से चेकअप कराने के लिए हमें गुसु वापस चलना चाहिए। विंग को अब रियलाइज हो गया था कि वो वांगजी से प्यार करने लगा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वांगजी उसके बारे में क्या फीलिंग्स रखता है। हालांकि वो दोनों बहुत समय से मैरिड हैं, कल्टिवेशन पार्टनर्स हैं, लेकिन उनके बीच में कोई फिजिकल रिलेशन नहीं रहा है। लेकिन वांगजी हमेशा उसकी परवाह करते आया है और उसका ख्याल रखते आया है। विंग अब जानना चाहता था, क्या वांगजी भी उसके साथ फिजिकल होना चाहता है जैसे विंग उसके साथ होना चाहता था। क्या वांगजी भी उसे प्रॉपर तरीके से अपना कल्टीवेशन पार्टनर बनाना चाहता है। ये सब पता करने के लिए विंग वांगजी से कहता है, लंजा आज मैं तुम्हारे साथ एंजॉय करना चाहता हूँ, क्या तुम प्लीज़ मेरे साथ चलोगे। वांगजी उसके साथ चलने के लिए हाँ कर देता है। दोनों लिटिल एप्पल के साथ निकल जाते हैं। विंग बाहर आते ही अपनी नॉटी हरकतें शुरू कर देता है और वांगजी से कहता है, लंजा मैं बहुत थक गया हूँ, क्या तुम प्लीज़ मुझे लिटिल एप्पल पर बैठने में मदद करोगे। वो ऐसा कहता ही है कि वांगजी तुरंत उसे वेस्ट से पकड़ता है और उसे लिटिल एप्पल पर बिठा देता है। वो दोनों पूरे दिन ट्रैवल करते हैं, मार्केट में जाते हैं, शॉप्स पर रुकते हैं। विंग कभी कुछ मांगता है तो कभी कुछ, लेकिन वांगजी विंग की सारी रिक्वेस्ट को पूरा करता है। शाम होने लगी थी लेकिन अभी भी विंग वांगजी से वो क्वेश्चंस नहीं पूछ पाया था जो वो उससे पूछना चाहता था, क्योंकि उसे अभी भी डर था कि अगर वांगजी उसके बारे में वैसा नहीं सोचता होगा जैसा कि वो सोचने लगा है तो शायद उन दोनों के सेक्ट के रिलेशन के बीच में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लेकिन विंग को अंदर ही अंदर ये भी चिंता थी कि अगर वांगजी ने उसे वो जवाब नहीं दिया जो वो सुनना चाहता है तो उसका दिल टूट जाएगा। पूरे दिन मार्केट में घूमने के बाद फाइनली वो लोग शाम को उसी सिटी में एक इन ढूंढते हैं और वहीं रात को रुकने का प्लान बनाते हैं। दोनों ने एक ही रूम बुक किया था और वो दोनों एक ही बेड भी शेयर करने वाले थे। विंग काफ़ी सारी डिशेस ऑर्डर कर देता है लेकिन हमेशा की तरह उसके पास पैसे नहीं होते, तो वो वांगजी से कहता है, लंजा इस बार भी तुम्हें ही पे करना पड़ेगा, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ क्लाउडसेस वापस लौटने के बाद मैं तुम्हें पे बैक कर दूंगा। लेकिन वांगजी उससे कहता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। डिनर कर लेने के बाद विंग अब अपने रूम में बाथ टब मंगाता है। विंग और वांगजी एक रूम में और वो भी बाथ टब के साथ। किसी को कुछ कुछ याद आ रहा है क्या? ओरिजिनल नॉवल में भी कुछ ऐसा ही सीन था लेकिन वहाँ बाथ टब टूट गया था। लेट्स सी इस स्टोरी में क्या होता है। दोनों के रूम में वार्म वाटर से भरा हुआ बाथटब आ जाता है।
वेइंग वांग जी से कहता है, लंजा तुम्हें नहा लेना चाहिए। लेकिन वांग जी उससे कहता है, वेइंग पहले तुम नहा लो। तभी वेइंग कहता है, क्यों ना हम दोनों साथ में नहा लें। वांग जी ग्रीन बीन्स खा रहा था, ये सुनते ही उसे झसका लगता है। वेइंग उसकी बैक रब करने लगता है और उससे कहता है, आराम से लंजा तुम्हें क्या हुआ। वांग जी के ईयर्स काफ़ी रेड हो गए थे। वेइंग उसे एक कप टी देता है, उसकी बैक रब करता रहता है और एक हैंकरचीफ से उसका फेस क्लीन करता है। वेइंग उसे कहता है, तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। वांग जी टी पीने लगता है और उससे कहता है, बाथटब बहुत छोटा है। वेइंग कहता है, तुम सच कह रहे हो, बाथटब छोटा तो है, लेकिन अगर मैं तुम्हारी गोद में बैठ जाऊँ तो शायद ऐसा फील नहीं होगा। वांग जी उससे कहता है, मजाक बंद करो। वेइंग भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और उससे कहता है, ठीक है अर्गगा, अब मैं तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। ऐसा कहकर वो बांस लेने के लिए चला जाता है। कुछ समय बाद वो अपने रोब्स को एडजस्ट करते हुए बाहर आता है। रोब्स लूज होने की वजह से उसकी काफ़ी हद तक बॉडी वांग जी को दिख रही थी और वांग जी के ईयर्स अगेन रेड होने लगे थे। और वो वेइंग से कहता है, अपने ट्राउजर्स पहन लो वरना तुम्हें कोल्ड हो जाएगा। वेइंग ऐसा ही करता है और अब वो वांग जी से कहता है कि उसे बाथ ले लेना चाहिए। वांग जी बाथ लेने के लिए जाता है, लेकिन जब तक वांग जी वापस आता है, वेइंग ऑलरेडी सो चुका था। ऐसा दो दिन तक चलता रहता है। वेइंग अपने और वांग जी के बीच के रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन जब भी वो ऐसा करने का सोचता, उसके दिमाग में सिर्फ यही इमेजिन होने लगता कि अगर वांग जी ऐसा फील नहीं करता होगा तो कहीं वांग जी उससे ये ना कह दे कि अब उसे उसके साथ क्लाउडोसिस वापस आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वांग जी कोई कट स्लीव नहीं है। हालांकि उसे पता था कि वांग जी कभी भी इतने रूडली तरीके से तो उसे ट्रीट नहीं करेगा, पर फिर भी उसे डर था। तीसरे दिन वो दोनों युनमक पहुँचते हैं। वेइंग काफ़ी सारे प्लान सोचता है कि किस तरह वो वांग जी से बातें करने की कोशिश करे, लेकिन उसके सारे प्लान्स फेल हो जाते हैं। वांग जी बेचारा जहाँ वेइंग उसे ले जाए वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है। वेइंग उसे एक रिंग टॉस गेम खेलने के लिए लेकर आता है और उससे कहता है, लंजा तुम्हें कौन सा प्राइस चाहिए बताओ, मैं तुम्हारे लिए वही जीतता हूँ। वांग जी उससे कहता है, तुम खुद चूज़ कर लो। तो वेइंग देखता है वहाँ एक टॉय रखा हुआ था जो काफ़ी हद तक एक छोटे टर्टल जैसा था, जो उन्हें शून्यों की याद दिला रहा था जिसे उन्होंने उस केव में हराया था। वेइंग कहता है, मैं यही टर्टल तुम्हारे लिए जीतता हूँ। वो रिंग टॉस करता है और वो सच में उस लिटिल टर्टल को उस रिंग में फंसा लेता है। वो टॉय वांग जी को देते हुए कहता है, लंजा ये तुम्हारे लिए है, हालांकि ये पास से देखने में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, अगर तुम चाहो तो इसे नहीं भी ले सकते हो। वांग जी उसे कहता है, मुझे ये चाहिए। अब वेइंग दो रिंग्स उठाता है और वांग जी को देता है और उससे कहता है, अब तुम्हारा टाइम है मेरे लिए कुछ जीतने का, तुम भी ट्राई करो। वांग जी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वेइंग ने उस रिंग को टॉस किया था वैसे ही टॉस करता है और वो रिंग एक रेड क्लोथ में आकर फंसती है। ये देखकर शॉप ओनर कहता है, इन यंग मास्टर की चॉइस तो काफ़ी अच्छी है, ये रेड क्लोथ मेरी शॉप का सबसे महंगा सामान है, काफ़ी यंग मास्टर्स ने अपनी वाइफ के लिए इसे जीतने की कोशिश की है लेकिन वो नहीं जीत पाए हैं। यंग मास्टर आपकी वाइफ सच में बहुत लकी है। तभी वेइंग कहता है, उसकी कोई वाइफ नहीं है। तो शॉप ओनर कहता है, फिर ये आपकी फ्यूचर वाइफ के लिए हो सकता है, इस रेड क्लोथ से बहुत अच्छा वेल बनाया जा सकता है। वेइंग और वांग जी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अब वांग जी को अपनी सेकंड रिंग फेंकना था, जैसे ही वो सेकंड रिंग फेंकता है तभी दो हॉर्स एक कार्ट को लेते हुए वहाँ से जा रहे होते हैं। रास्ते में काफ़ी भीड़ हो जाती है। वेइंग को लग रहा था कि वांग जी का ये टॉस तो मिस हो जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद वो देखता है कि वो रिंग वेइंग के गले में फंस गया था। वेइंग को विश्वास नहीं होता, ये इम्पॉसिबल था, वांग जी का टॉस मिस कैसे हो सकता है? क्या वांग जी ने जानबूझकर तभी उस रिंग को टॉस किया जब वो हॉर्सेस वहाँ से निकल रहे थे? शॉप ओनर कहता है, यंग मास्टर ये टॉस तो आपने मिस कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, आप ऑलरेडी हमारी शॉप का बेस्ट प्राइस तो जीत ही चुके हैं, वो रेड क्लोथ आपके फ्रेंड के पास है। वांग जी आगे बढ़ने लगता है। वेइंग उससे पूछता है, लंजा वो टॉस तुमने मिस कर दिया ना? वांग जी रुकता है, उसकी आंखों में देखने लगता है। वांग जी उसे कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी वेइंग कहता है, तुमने वो टॉस मिस कर दिया है तो तुम ये रेड क्लोथ रख लो, ये वैसे भी उस शॉप का बेस्ट प्राइस था, मैं इतना बुरा नहीं कि तुम्हारा जीता हुआ प्राइस रख लूँ, मैं ये रिंग रख लूँगा। वो अपने नेक में पड़ी हुई उस रिंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है। तभी वांग जी वो क्लोथ वापस उसे देते हुए कहता है, ये तुम्हारे लिए है, और वहाँ से चला जाता है। वेइंग को अपनी हरकतों पर बहुत गुस्सा आता है कि उसने वांग जी से ऐसा क्यों कहा। दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। वेइंग ने उस रिंग को अपने नेक से नहीं निकाला था।
वो सोच रहा था कि शायद वांग जी उसे उस बारे में पूछेगा, लेकिन वांग जी ने उससे कुछ नहीं पूछा। अब वो दोनों एक बोट रेंट पर लेते हैं। वुइंग उसे लोटस पॉइंट दिखाना चाहता था। शाम का समय था, काफ़ी ठंड हो गई थी। दोनों बोट में बैठे हुए थे। वुइंग कुछ पैनकेक्स और दो युनमिग अल्कोहल बॉटल्स निकालता है जो उन्होंने रास्ते में खरीदे थे। तभी वुइंग को अपने ऊपर कुछ हैवी फील होता है। वांग जी उसे क्लोक उड़ा रहा था। वांग जी ऑलरेडी अपने पाउच में सारा इंतजाम करके लाया था। वुइंग स्माइल करने लगता है और एक कप में अल्कोहल करते हुए वांग जी से पूछता है, लंचा क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करोगे? वांग जी तुरंत हाँ कर देता है। वो पैनकेक खाता है और साथ में अल्कोहल भी पीता है। वुइंग काउंट करना शुरू करता है और वुइंग की 10th काउंट पर ही वांग जी सीधा सो जाता है। वुइंग उसका फेस पकड़ते हुए कहता है, लंचा मैं सच में तुम्हारा क्या करूँ? तुम इतने प्योर हो, तुम इतने क्यूट हो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। कुछ समय बाद वांग जी फाइनली आंखें खोलने लगता है। वुइंग उसके हाथ से वो अल्कोहल कप लेता है और उससे कहता है, अब तुम्हें ड्रिंक करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस पैनकेक ही खाओ। वांग जी अपना सिर हिला देता है तो वुइंग उससे कहता है, लंजा सच में अगर किसी ने गलत इरादे से इस तरह तुम्हें फंसाने की कोशिश की ना तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। अच्छा होगा कि तुम मेरे साथ रहो ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूँ। वांग जी फिर अपना सिर हिला देता है तो वुइंग उससे पूछता है, तुम सच में हमेशा मेरे साथ रहोगे? वांग जी कहता है, हाँ मैं हमेशा वुइंग को प्रोटेक्ट करूँगा। वुइंग ब्लश करने लगता है और वांग जी से कहता है, लंजा प्लीज़ इस तरीके की बातें मत किया करो, मुझे बहुत एम्बेरसिंग फील होता है। मैं एक ग्राउंड मैन हूँ, मुझे इस तरह ब्लश नहीं करना चाहिए। लेकिन वांग जी बार बार उससे वही रिपीट करता है, मैं हमेशा वुइंग को प्रोटेक्ट करूँगा लेकिन मैं उसे कभी बताऊंगा नहीं। वुइंग और भी ज़्यादा ब्लश करने लगता है। वो अपनी जगह से उठकर बोट के किनारे के पास जाता है और वाटर में अपना रिफ्लेक्शन देखता है तो वो देख सकता था कि उसका फेस कितना रेड हो गया था। और वो वांग जी से कहता है, लंजा ज़रा मेरी तरफ देखो, मैं कितना ज़्यादा ब्लश कर रहा हूँ। वुइंग के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो बोट से लेक में जाने का सोचता है। वो सोचने लगता है, क्या वांग जी भी उसके पीछे पीछे लेक में आ जाएगा? वो जैसे ही उस पानी में जाने वाला होता है, वांग जी तुरंत उसे वेस्ट से पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। दोनों एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ जाते हैं। वुइंग वांग जी के ऊपर आ गया था। वो उसका फेस, उसका रिबन क्लियरली देख सकता था। वांग जी भी उसकी आंखों में ही देखे जा रहा था। रात के समय मूनलाइट में वांग जी का फेस वुइंग को और भी ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। वुइंग को रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि कब दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए और एक दूसरे को किस करने लगे। वुइंग अब पूरी तरीके से वांग जी की लैप में आ चुका था और वांग जी भी उसे खुद से अलग नहीं होने दे रहा था। एक लंबे किस के बाद दोनों खुद से अलग होते हैं। वांग जी वुइंग के नेक में पड़ी हुई उस वुडन रिंग को टच कर रहा था। वुइंग को नहीं समझ आ रहा था कि वांग जी क्या कहना चाह रहा है। वुइंग और कुछ सोच पाता, वांग जी तुरंत उसे बोट पर ही ग्राउंड पर पुश करता है। वुइंग को हर्ट ना हो इसीलिए वांग जी ने उसे उसी क्लोक पर पुश किया था जो वो वुइंग के लिए लेकर आया था। वुइंग उसे कहता है, लंजा प्लीज़ मुझे फिर से किस करो। वांग जी ऐसा ही करता है लेकिन इस बार वो वुइंग के हाथों को फोर्सफुली पकड़ता है और अपने फोरहेड रिबन से बांध देता है। वुइंग स्माइल करने लगता है और वांग जी से कहता है, लंजा मुझे नहीं पता था कि तुम ये सब रफ स्टफ़ पसंद करते हो। वांग जी उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता और उसके रोब्स निकालने की कोशिश करता है। काफ़ी समय तक वांग जी ट्राई करता रहता है तो वुइंग हंसते हुए उससे कहता है, लंजा ये तुम्हारी गलती है, अगर तुमने मेरे हाथ नहीं बांधे होते तो मैं खुद अपने क्लोथ्स निकाल देता। वो और कुछ कहने ही वाला होता है कि वांग जी उसके रोब्स को फाड़ ही देता है। वुइंग अचानक शॉक्ड हो जाता है और वांग जी से कहता है, लंजा ये क्या हरकत है, क्या तुम कोई बीस्ट हो? लेकिन वो अंदर ही अंदर काफ़ी इंजॉय भी कर रहा था। दोनों ऐसे ही एक दूसरे को किस करते रहते हैं। कुछ समय बाद वांग जी पूरी तरीके से वुइंग के ऊपर लेटा हुआ था। वुइंग के हाथ अभी भी वांग जी के रिबन से बंधे हुए थे। हालांकि वो अपने हाथों को खोलना चाहता था ताकि वो भी वांग जी को टच कर सके। अब वो वांग जी को धीरे धीरे सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहता था। वो अपनी फीलिंग्स के बारे में वांग जी को बताना चाहता था लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो शुरुआत कैसे करे। और वो अपनी बात की शुरुआत थैंक यू से करता है। वुइंग उसे थैंक्स बोलना चाहता था उसका साथ देने के लिए, उससे शादी करने के लिए। वांग जी ने अगर वुइंग को बचाने के लिए वो सॉन्ग ना लिखा होता, उसका क्योर ना ढूंढा होता तो शायद वुइंग आज जिंदा भी नहीं होता। लेकिन इससे पहले कि वुइंग अपनी सारी बातें उसे एक्सप्लेन कर पाता, वांग जी अचानक उसके ऊपर से उठ जाता है।
वुइंग को समझ नहीं आता कि वांग जी को अचानक क्या हुआ। वो वांग जी की तरफ देखता है कि तो उसका चेहरा पूरी तरीके से पेल हो गया था। उसकी ब्रीदिंग बहुत फास्ट थी और वो वुइंग को ऐसे देख रहा था जैसे वुइंग ने उसे कुछ बहुत गलत कहा हो। वुइंग उससे बात करने की कोशिश करता है लंजा, लेकिन वांग जी उसकी तरफ बढ़ता है, अपना फोरहेड रिबन उसके हाथों से निकालता है और वापस अपने फोरहेड पर बांध लेता है। वुइंग अब और ज़्यादा वांग जी से कुछ नहीं कह पाता। वो अपने रोब्स जो कि फट गए थे उन्हीं से अपनी बॉडी को कवर करते हुए वांग जी से कहता है, मुझे माफ़ कर दो लंजा। वुइंग को अपने ऊपर बहुत शर्म आ रही थी। उसने वांग जी को ड्रंक किया और उसकी इस हालत का फ़ायदा उठाया। वांग जी भी एक मैन है, अगर वुइंग जानबूझकर उसे प्रोवोक करने की कोशिश करेगा तो ये सब तो होगा ही। वुइंग को लग रहा था कि वांग जी ने जो भी कुछ किया वो ड्रंक हालत में किया है। तो गाइस ऐसा ही कुछ सीन ओरिजिनल नॉवल में भी है, याद आ गया होगा आप लोगों को, दोनों के बीच में जब मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी। वुइंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, शायद उसकी इस हरकत की वजह से वुइंग और वांग जी अब फ्रेंड्स भी नहीं रह पाएंगे। वो कल्टीवेशन पार्टनर सिर्फ नाम के थे, उन दोनों के बीच में ऐसा रिलेशन नहीं था। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे अपनी बॉडी पर एक वार्म करंट फील हो रहा था। वांग जी उसे स्पेशल एनर्जी दे रहा था। वुइंग तुरंत उससे अलग हो जाता है और उससे कहता है, लंजा मुझे टच मत करो। वुइंग को इतना ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वांग जी उसकी परवाह करता है और वो वांग जी से कहता है, लंजा मुझे बस कुछ समय चाहिए। वो अपने नेक से वो वुडन रिंग भी निकाल देता है, क्योंकि उसके रोप्स फट चुके थे, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसीलिए ना चाहते हुए भी उसे वांग जी के क्लोक को ही पहनना पड़ता है। वांग जी भी उससे कुछ नहीं कह पाता और बोट दूसरी डायरेक्शन में चलने लगती है। दोनों वापस युनमक की तरफ आ जाते हैं। जैसे ही बोट किनारे पर रुकती है, वुइंग एक सेकंड का भी इंतज़ार नहीं करता, बोट से बाहर निकलते ही वांग जी से कहता है, मैं क्लाउड रेसेस में तुमसे वापस मिलूँगा, और वहाँ से चला जाता है। वुइंग लोटस को वापस आ जाता है, लेकिन उस रात वो बिल्कुल नहीं सो पाता और उसके दिमाग में सिर्फ वांग जी ही चलता रहता है। उसे लोटस को छोड़े काफ़ी टाइम हो गया था, लेकिन अब जब वो अपने रूम में आया था उसे बिल्कुल वैसा ही रूम मिला था जैसा वो छोड़ कर गया था। लेकिन अब वुइंग यहाँ नहीं रहना चाहता था, उसे वही क्लीन रूम और उस लार्ज बेड पर ही सोना था जहाँ वो वांग जी के साथ था। जेंगशा काफ़ी कल्टिवेटर्स के साथ लैंडलिंग किसी काम से गया हुआ था, इसलिए वुइंग अकेला ही लोटस कोव में था। कुछ दिनों तक वुइंग अकेला लोटस कोव में रह रहा था। वो वहाँ के आसपास जगह घूमता, खुद को फोर्स करता कुछ भी खाने के लिए या रेस्ट करने के लिए। अब उसे रियलाइज़ हो चुका था कि उसे वांग जी की आदत हो गई है, उसके साथ सोने की आदत हो गई है। इसी तरह 3 दिन बीत चुके थे। वुइंग सोचने लगा कि वो इस तरह हमेशा तो लोटस कोव में नहीं रह सकता, उसे कुछ ना कुछ तो करना होगा, क्योंकि वैन मेंबर्स अभी भी क्लाउड रेसेस में हैं और उन्हें वहीं रहना है, चाहे वांग जी वुइंग को प्यार करे या ना करे, लेकिन कम से कम वो उसे अपने साथ रहने के लिए तो अलाउ कर सकता है। वांग जी एक अच्छा इंसान है, अगर वुइंग उसे ऑफर करेगा कि वो जिंगशी में ना रहकर वो वैन मेंबर्स के साथ भी रह लेगा तो शायद वांग जी मान जाएगा। कम से कम इस तरह वो फ्रेंड्स तो रह पाएंगे और साथ में नाइट हंट पर जा पाएंगे, और एक दिन जब वांग जी को अपना प्यार मिल जाएगा तो वांग जी शादी कर लेगा, फिर मैं खुद ही उसके रास्ते से हट जाऊंगा और उसकी लव लाइफ के लिए प्रे करूंगा। वुइंग ऐसा सोचने लगता है कि तीसरे दिन जेंगशा वहाँ आता है। जेंगशा वुइंग के रूम में आता है। वुइंग उसे कहता है, तुम्हें काफ़ी लंबा समय लगा वापस आने में, इन दिनों में लोटस कोव में कुछ हो जाता तो। जेंगशा उसे कहता है, तुम चुप रहो, तुम्हें पता भी है कोई टावर में अभी बहुत कुछ है जिससे हमें डील करना है। वुइंग उससे कहता है, क्यों? हालांकि वुइंग आंसर जानने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि उसका ध्यान तो कहीं और था। जेंगशा उसे एक्सप्लेन करता है, जिन गुंगवायों के जाने के बाद भी उसके कुछ लोग हैं जो वहाँ अंडरग्राउंड होंगे, और हम हर कल्टिवेटर से तो पूछताछ नहीं कर सकते। वो उसे सब कुछ बता रहा होता है कि तभी वो नोटिस करता है वुइंग का ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं है। तभी वो उससे कहता है, ये सब बातें छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ वापस आया हूँ। मुझे लैन चिचेन का मैसेज मिला कि तुम और लंगवांग जी अपनी शादी को तोड़ना चाहते हो, ऐसा क्यों है? आखिर तुम दोनों के बीच क्या हुआ? वुइंग को अचानक एक धक्का सा लगता है और वो जेंगशा से पूछता है, शादी को तोड़ना चाहते हैं? तो जेंगशा उससे कहता है, क्या उसने तुम्हें नहीं बताया? वुइंग कुछ नहीं कह पाता तो जेंगशा उससे कहता है, अब मुझे बताओ तुम दोनों के बीच आखिरकार हुआ क्या? वुइंग बेचारा अपना दुख संभालते हुए जेंगशा से कहता है, कुछ नहीं,
शायद सेकंड मास्टर लैन मुझसे तंग आ गए होंगे, वो ऑलरेडी मुझे बहुत झेल चुके हैं। वेइंग जेंगशा की आंखों में नहीं देख पा रहा था। जेंगशा ये सुनकर कहता है, ये सब बकवास है, साफ पता चलता है वो तुम्हें पसंद करता है, और वो भी बहुत ज़्यादा। वेइंग उससे कहता है, नहीं वो नहीं करता, अगर वो शादी तोड़ना चाहता है तो ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ, और अगर ये सब के बाद तुम मुझे यहाँ वापस नहीं चाहते तो भी ठीक है, मैं कहीं और चला जाऊँगा। जेंगशा उससे कहता है, बकवास बंद करो, लोटस कोव के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं, ये तुम्हारा ही घर है, और तुम टॉपिक चेंज करने की कोशिश मत करो, तुम्हें ये सब से फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा, तुम लांगवांग जी को पसंद करते हो ना। वेइंग उससे कहता है, हाँ मैं उसे पसंद करता हूँ, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन अब ये सब से क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी ये शादी लंबे समय तक नहीं चलने वाली थी, शायद मुझे उसे पसंद ही नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो सोचने लगता है शायद वो वांग जी को बहुत लंबे समय से ही पसंद करने लगा था, और वो सोचने लगता है पहली बार जब उसने वांग जी को देखा था शायद वो तभी से उसे पसंद करने लगा था, इसीलिए वो सब कुछ करता था उसकी अटेंशन पाने के लिए, उसके नज़दीक रहने के लिए, कैसे भी बस वांग जी उसकी तरफ देखे, ये सब के लिए वो जानबूझकर उसे तंग किया करता था। वो जेंगशा से कहता है, लेकिन अब ये सब का क्या फ़ायदा, अगर वो शादी ही तोड़ना चाहता है तो अच्छा होगा कि ये हम जल्दी ही करें। जेंगशा उससे कहता है, कम से कम तुम दोनों को एक बार बात तो कर लेनी चाहिए, वो ऐसे ही शादी तोड़ने का फैसला अपने आप तो नहीं ले सकता ना। वेइंग उससे कहता है, अब बात करने के लिए क्या बचा है, अगर वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता तो मैं उसे फोर्स तो नहीं कर सकता ना, अगर मैं उसे फोर्स करूँगा तो वो और ही ज़्यादा मुझसे नफरत करने लगेगा। जेंगशा वेइंग से कहता है, मुझे सैक लीडर लैन का मैसेज मिला था, वो भी लैन वांगशी से इस बारे में बात करने गए हैं। वेइंग की हालत देखकर जेंगशा अल्कोहल के कुछ जार्स रूम में मंगवाता है और वेइंग से पीने के लिए कहता है, और उससे कहता है कि ये अल्कोहल एम्प्रेस स्माइल जैसा अच्छा तो नहीं, लेकिन शायद तुम्हें पसंद आएगा। वेइंग उससे कहता है, लेकिन अगर मैं ड्रिंक करने के बाद तुम्हारे सामने रोने लगूँ तो मुझे ब्लेम मत करना। तो जेंगशा कहता है, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ ड्रिंक कर रहा हूँ, और दोनों बहुत ड्रंक हो जाते हैं। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। आज के पार्ट की स्टार्टिंग तो काफ़ी अच्छी और रोमांटिक सी हुई थी, लेकिन एंडिंग काफ़ी सैड हो गई ना। लेकिन ये फैन फिक्शन भी अब हमारा कंप्लीट होने वाला है। आई होप आज का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना वांगशन लवर्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।